वेलकम बैक, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। सब आज हम डायरेक्ट ब्रेकफास्ट से शुरू करेगा, तो हम आप लोग अपना ब्रेकफास्ट में दिखा देते हैं कि आज का ब्रेकफास्ट क्या है। जो कि है सिंपल खिचड़ी, खिचड़ी में है आपका गाजर है, फ्रेश बीन है, आलू है और दाल चावल तो कॉमन ही तो होगा ही है। सो यही है हमारा खिचड़ी में। और हम किसके पास खा रहा है आलू दिखा देते, दोबारा से श्याम फर्टिल का पास। इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा, कल ही दे दिया था आलू कल का वीडियो में, आप लोग देख लो होगा। हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, करने के बाद वीडियो पर आगे मिलेंगे। तो हाँ गाइस, हम लोग अभी गड्डी निकल चुका है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी का तरफ जा रहे थे। दो दिन उधर हम लोग तेजपुर में रहा था, गुवाहाटी का हम लोग जा रहे हैं, उधर का भी टूर आप लोग को दिखा देगा। सो होगा मंजिल पर मिलते हैं इसके बाद। तो हाँ गाइस, जैसे कि हम लोग अभी गुवाहाटी को निकल चुका था, तो हम लोग आधे रास्ते में थोड़ा रेस्ट करने के लिए कुछ लंच फिलहाल तो शाम ही हो चुका है, लेकिन कुछ खाना खाने का हम लोग बैठा था। सो सब्जी को दिखा देते हैं कि सब्जी क्या क्या है। ये है आज पूरा बॉयल, जो कि है ये है मिक्सचर बॉयल, जो कि है गाजर आलू एंड फ्रेश बीन से शायद। इसके बाद है ये है चिकन, इसका है पापड़ और यह है राइस। तो होगा हम लोग खाना वो खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आगे मिलेंगे। तो हम लोग ये क्या था लंच करने के लिए, लंच नहीं तो राधी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ में रुका हुआ था। तो कौन सा जगह में रुका था वो दिखा देता है। ये एक स्कूल है, गुवाहाटी में तो नहीं है, गुवाहाटी पहुँचने से पहले। तो यहाँ पर सब लोग अभी खाना खा रहा है, कोई खाना खा चुका है, एक दो तीन ये खाने वाला हम लोग जो इसको टीचर लेके हम लोग अभी खाना खा रहा है। सो यहाँ पर एक क्लास रूम है, वहाँ पर एक क्लास रूम है, इसका बाकी तो हमको पता नहीं। ये स्कूल है जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत लंच रात का लंच करने के लिए आया था। सो होगा वीडियो पर आके मिलेंगे। तो जैसे कि हम डिनर भी कर चुके, आपको जगह को भी दिखा जो है किस तरह से है। तो अभी फिलहाल तो हमको वीडियो को एंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन को हमको 9 बजे को अपना जो स्कूल टीचर है मैम को हमको सबमिट करना पड़ेगा अपना फ़ोन को। सो हम एंडिंग अभी तो नहीं कर सके, इसलिए अभी हम कर देगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा गुवाहाटी को, लेकिन हाँ उससे पहले हम लोग एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो ये जगह बहुत सुंदर है, जो कि है हमको दिख रहा है इतना सुंदर है ना, वो भोपाल दिख रहा है, भोपाल का रिफ्लेक्शन से ऐसा खिल गया यार। होगा हम लोग भी अभी गुवाहाटी को निकलेगा, तो मिलेगा डायरेक्ट अगली सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे। तो नेक्स्ट सुबह हो चुका है, तो अभी शायद ये मेरा 4th ब्लॉग होगा। आज हम क्या करेगा, कहाँ में जाएगा, आप लोग को जरूर दिखाएगा। और आज ये मेरा लास्ट डे भी होगा गुवाहाटी में, क्योंकि आज हम लोग शायद ऐसा घूम के हम लोग शायद निकल जाएगा होगा वापस अपना जगह को, तो उसमें भी आप लोगों को दिखाएगा। तो कल भी फिलहाल बहुत थक गया था जर्नी कर करके, इस हम पूरा अच्छा से आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज दिखाने का हम जरूर कोशिश करेगा, और आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोग कहाँ में और कैसे हैं। ये हम लोग का ऊपर वाला फ्लोर ये रूम लुक है। यहाँ पर ये है डाइनिंग हॉल, ऊपर टेरेस का रास्ता है, ऊपर साइड में कल गर्ल्स भी बैठा था। और हाँ, आप लोग एक चीज़ दिखाई देगा, ये है बालकनी का व्यू, जो कि इस तरह से ये सब सामान है, क्योंकि अभी हम लोग भी यहाँ से निकलेगा। और नीचे है वो बॉयज लोग का जगह, जहाँ में हम लोग बॉयज लोग बैठा था, तो जैसे ये देख सकते हैं ये वो जगह। तो हाँ, हम लोग को बाहर भी दिखाते देखिए बाहर किस तरह से है। हम लोग कौन सा होटल में है, हम लोग है होटल ला सन सिटी। ये होटल में हम लोग आज से रुका हुआ है, एक रात के हम लोग रुका था, तो अभी हम लोग कुछ निकल देगा, तो होगा वीडियो पर आगे मिलेंगे। तो हाँ गाइस, जैसे कि हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर चुके थे, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी बस में है, इतना गर्म है ना, मत पूछो, पसीना पसीना हो गया एकदम, पसीना से लथपथ हो चुका है। शायद हम लोग एक कलक सत्र ऐसा उस नाम से एक जगह था, तो हम लोग वहाँ में जाएगा, वहाँ पर पहुँच के मिलेंगे। तो हाँ गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग एक जगह में आ चुका है, कलक सत्र बोल के एक नाम से, पूरा नाम हम भी भूल गया, हम नीचे एडिटिंग में डाल देगा, अब हमें देख लेना। तो हम ये जगह में आए हैं, आप लोग को भी दिखा देती है किस तरह से, काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो दिखा देता है आप लोग को भी इस टाइप से है। सो आगे और भी दूर चलते हैं, आप लोग को भी दिखाता है किस तरह से है। आप लोग ये गेट को देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना अमेजिंग है। अगर इसको आप लोग दिखाने से देख सकते, ये बेम्बू से बना हुआ है। वहाँ पर एक म्यूजियम है, जो कि देख सकते हो, अभी तक जाके नहीं देखे, जाके आप जरूर दिखाएगा। यहाँ पर देख सकते ये क्या बोले इसका, लोहा का घास है, लोहा का घास है, सही सही पानी पानी है, सुंदर ही दिखने, काफ़ी सुंदर है, मस्त है। और हाँ, ये जगह जब हम आए हैं ना, एक चीज़ हम नोटिस किए कि जगह जगह पर यहाँ का ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो पाया जाता है, उसका बताया जाता है, उसको भी हम लोगों को दिखाएगा। ये चीज़ काफ़ी हमको मस्त लगा। यहाँ नीचे देख सकते हैं, लिखा भी है नीचे बफेलो फाइट बोल के, शायद बेल का शायद यहाँ फाइट हो रहा है, और एक आदमी जोश दिला रहा है शायद। और ये शायद एक फोटोशूट एरिया होगा, जो कि देख सकते हैं फ्लावर पॉट रखा हुआ है, काफ़ी सुंदर है फ्लावर लुक, ऐसे नहीं लग रहा है कि रियल फ्लावर है बोल के, तो नहीं लग रहा है, नकली फ्लावर है जैसे लग रहा है, लेकिन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। क्रेजिंग ऑफ बफेलो,
खोल बार ढोल। और यहाँ में हमको एक और स्ट्रक्चर मिल गए, मतलब एक आर्ट है सूत्राधार, मिसिंग डांस यह है गारो डांस, यह है बिहू डांस ऑफ असम। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है बोट रेस, और आप लोग देख सकते हैं बोट रेस को इस तरह से होता है। और हम लोग एक और चीज़ बताते थे बोट रेस से, हमको याद आ गया कि हम लोग भी बोट में सफ़र कर चुके हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। अगर उसका वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो यह वाला होगा, या फिर हम नीचे लिंक में दे देगा। और जैसे देख सकते हैं हम चलते चलते हमको एक जगह मिल गया जो कि है श्रीमंता शंकरा देवा म्यूजियम, जो कि देख सकते हैं। अंदर चल के आप लोग दिखा देते हैं आखिर किस किस तरह से। तो यहाँ में हमको एक और म्यूजियम मिल चुका है, जो म्यूजियम का अंदर हम लोग जाके देखते हैं कि कैसा है। तो हाँ गाइस, हम लोग अभी एक राइड पे जा रहे हैं जो कि कुछ रोलर कोस्टर राइड है जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं उसमें ट्राई करके। गाइस हम लोग एक राइड पे आ चुके हैं, ओए हो गड्डी निकल गया हम लोग का। तो हाँ गाइस, अब एक नया राइड पे हम लोग जा रहे हैं। ये राइड काफी देखने में काफी खतरनाक है लेकिन काफी मजेदार भी है। तो कुछ राइट कुछ इस तरह से है, ये ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। तो हाँ गाइस, अभी हम राइट में बैठ चुके हैं। तो राइट कुछ इस तरह से है, ये है वहाँ का इंजन जो घूमता है। तो चलिए घूमने के बाद मिलते हैं। तो हाँ गाइस, ये राइड को करके हम लोग अभी आ चुके हैं। तो ये राइड खास कुछ मजा नहीं लगा जो ये वाला राइड है, ये राइड तरह खतरनाक हमको जैसा लगा क्योंकि ये राइड तरह ऐसे ऐसे आ रहा था उसका वजह। तो होगा आगे मिलता है। आप लोगों को कि लोहा घास दिखाते हैं, वो घास से भी पानी निकाल रहे जिसे देख सकते हैं। तो हाँ गाइस, अभी ये 4 घंटा इस पार्क में बिताने के बाद अभी इस पार्क को अलविदा कहने का समय आ रहा है। अभी हम लोग शायद निकलेगा नहर लगन को, हम लोग जाने पहले फर्स्ट देखो जाना हम लोग रुका था, अभी वहाँ में शायद हम लोग वापस बैठेगा होगा। सो मिलेंगे वहाँ। आइटम है हम लोग का, ये आलू दाल राइस एंड कुछ आलू, ये भी आलू और कुछ फ्रेश बीन्स है। इसके बाद ये नींबू और ये मिर्चा। आज हम किन लोगों का पास कर दिखा देते हैं, आज हम खा रहे हैं लोगों के पास ये है यहाँ पर। सबों का खाना खा लेते इसके बाद मिलेंगे। दोस्तों हाँ गाइस, नेक्स्ट सुबह भी हो चुका है। तो अभी फिलहाल हम हिंगक्योंग तक भी पहुंच चुके हैं। तो हम आप लोग को अभी तक क्लिप नहीं दिखा पाया था क्योंकि बैटरी डेड हो गया था मोबाइल का अनफॉर्चुनेटली, सो सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग कल शायद गुवाहाटी से हम लोग 5 बजे को निकला था। तो 5 बजे को निकल के हम लोग एक ढाबे में रुका था। तो ढाबे से हम लोग वापस 11 बजे को निकले, 11 बजे को निकल के आज सुबह हम लोग 5 बजे हम लोग ईटानगर में पहुँचे। इसके बाद 5 बजे से हम लोग सीधा आया जाइलो से हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और अभी शायद 2 बजे कुछ शायद बस रहा है। तो अभी हम पहुँचे यहाँ पर, तो कुछ शॉपिंग भी करने के लिए गया था। तो अभी रियान का घर भी जा रहा है। तो जस्ट अभी हम अपना बड़ा भाई को भी कॉल कर दिया था कि लेने आओ बोल के। तो बड़ा भाई अभी हमको लेने के लिए आएगा होगा, तो वीडियो पर आगे बने रहे। सो हाँ गए, जैसे कि अभी हम रियान का घर में था। सो घर मालिक एक छोड़ने के लिए आया है जो कि है ये रियान का भाई है। अपना नाम को बता दो एक बार। विलियम राय तो नाम है। तो होगा हम लोग भी अभी जाएगा, तो अभी अच्छे से बैठो ना। होगा अभी हमको कौन लेके जाएगा, हम लोग को दिखा देते हैं। हम लोग को लेके जाएगा हम लोग का मेरा आई मीन भैया। अभी ठीक जंगल से आया, सीधा पहुँचा है फ्रेश आदमी, सीधा हम लोग घर जा रहे हैं। घर की ओर निकलेगा, मौसम भी ठीक नहीं है, फटाफट घर की ओर बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। वहीं पर बारिश भी आ रही है। तो आगे वीडियो पर मिलेंगे।